नागदा शहर के अंदर लगातार हमारी हिंदू बेटियों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अभी एक माह पूर्व ही हमारे नागदा नगर की हिंदू बेटी को बहला फुसला कर लालच में कर तोसिफ नाम का युवक जो अन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और मॉडल शो वगैरह इस तरह के लालच देके युवा बहन बेटियों को बहला फुसला कर अन्य गंभीर धंधों में डालने का काम करते, वो हमारी बहन नागदा नगर की बेटी को लेकर गया था। लगभग एक माह होने को आया है, उसमें सर्व समाज के द्वारा बीच में ज्ञापन भी दिया गया था। आज भी नागदा नगर के सर्व समाज के हमारे मित्रों के द्वारा माननीय एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं, आदरणीय भैरव सिंह जी भाई साहब चौहान साहब, आदरणीय भैरूलाल जी टांग साहब, राजा जी कन्नौर साहब, वो सर्व समाज के प्रतिनिधि के द्वारा आज एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन किया है कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, जल्द से जल्द हम उसको अपराधी को दोषी को ट्रेस कर आपकी हिंदू बेटी को उसके माता पिता के सुपुर्द करेंगे और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि नागदा नगर में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके, हमारी हिंदू बेटियां सुरक्षित रह सके। अभी भी लगभग एक महीना 26 तारीख से माता जी की स्थापना होना, नवरात्रि का कार्यक्रम होना है और इन कार्यक्रमों को लेकर भी सर्व समाज ने माननीय एडिशनल एसपी साहब से निवेदन किया कि इन कार्यक्रमों भी इस तरह के युवक शामिल होते और वहाँ पर कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और हरकतें करते हैं, उस पर भी अंकुश लगे ताकि हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन हैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक अच्छे से हमारी बहन बेटियाँ और पूरे परिवार के लोग मना सके। आदरणीय एडिशनल एसपी साहब ने पूरी शासन की तरफ से पूरी व्यवस्था करने का हमें आश्वासन दिया और जल्द से जल्द तोसिफ नामक आपराधिक व्यक्ति को पकड़कर शासन के कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं हो सके।